किलर. मैंने अपनी लाइफ में सोचा था ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा एंड इट वाज आई थिंक मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है आज तक का. एंड टीवी फर्स्ट टाइम किया तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी मैं, क्योंकि किसी को भी नहीं जानती थी. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं फ्रेंड्स बनेंगे नहीं बनेंगे, कितने कॉम्पिटिटिव होंगे लोग, बहुत डर था मुझे इस बात का. बट जब मैं मिली तो एक हफ्ते में आई थिंक वी आर सो क्लोज कि घर की याद ही नहीं आई उसके बाद. और जो खतरों का सामना हम लोग करते हैं उसमें हम सब एक दूसरे के साथ खड़े थे, क्योंकि सब इतने ज़्यादा केपेबल थे ना सारे स्टंट्स करने के, और इतना अच्छा परफॉर्म करते, सब ने अपना 200% दिया. तो मतलब कॉम्पिटिटिव ना हो के हम लोग इतना ज़्यादा सपोर्टिव हो गए कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस देके कि हम एक साथ खड़े थे सारे सारा टाइम. सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी एंड पूरी लाइफ याद रखूँगी मैं इसको. किस कंटेस्टेंट से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ? इम्प्रेस हुई हूँ आई थिंक विशाल, बिकॉज ही हैज़ डन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं उन्होंने वहाँ पे जो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ चीज़ें जिसमें उनका एक्सपर्टीज़ नहीं था लेकिन उन्होंने पूरा करा और जीते और अच्छा करा. तो आई थिंक डेफिनेटली विशाल एंड यस दैट्स अबाउट इट. एंड दिव्यांका दी अनएक्सपेक्टेड, शी इज़ अ सरप्राइज पैकेज. अपने किस डर से ओवरकम किया आपने? ओवरकम तो नहीं हुआ, जैसा कि अभी सना भी बोल रही थी आई थिंक हम एक्स्ट्रा डर लेके वापस आए हैं थोड़े से. बट हाँ करंट कुरंट और ये सब बहुत ज़्यादा हो गया अभी, तो डर ओवरकम तो नहीं हुआ, एक्स्ट्रा लेकर ही आए वहाँ से. रोहित सर कितने स्ट्रिक्ट हैं? रोहित सर स्ट्रिक्ट नहीं है, डिसिप्लिन बोलेंगे. एंड बहुत सपोर्टिव है वो एक्चुअली, स्टंट्स वगैरह जब हम लोग कर रहे थे तो ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव. अगर वो नहीं होते तो आई थिंक हम लोगों के लिए जितना मुश्किल था उससे 3 गुना ज़्यादा और डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि उनका जो एक सपोर्ट रहता है वो आपको टेक्निक्स बताते हैं, कुछ ऐसा हेल्प करते हैं बीच बीच में बोल करके, तो दैट रियली हेल्प्स. तो आई हैट्स ऑफ, लाइक उन्होंने जो बोला था मैं तो हर स्टंट से पहले ही सोच के जाती थी कि रोहित सर जो बोलेंगे मैंने वो मानना है, बस वो सुनना है. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.